डिप्टी कमिश्नर गुजरात का मुख्तलिफ सरकारी दफातर और मराकज सेहत का दौरा। डिप्टी कमिश्नर सैफ अनवर जप्पा ने असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस सिविल हस्पताल कोटला अरब अली खान बुनियादी मरकज सेहत दौलत नगर सब्जी और फ्रूट मंडी कालरा डिस्पोजल और सहूलत बाजारों का अचानक दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर वकार हुसैन खान चीफ ऑफिसर महमूद इकबाल गोंदल भी इस मौके पर मौजूद थे। वजीर अला पंजाब सरदार उस्मान बुजदार की हदायत के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ने एसी ऑफिस गुजरात की मुख्तलिफ ब्रांचों का मुआयना किया। वहाँ मौजूद शहरियों से अफसरान अहलकारों के रवैया के बारे दरियाफ्त किया। उन्होंने हदायत की कि अफसरान और अमला अपनी जिम्मेदारियाँ दयानतदारी से अदा करें। बदनवानी की शिकायत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोरोना से बचाव के लिए हुकूमती हदायत के मुताबिक SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। डिप्टी कमिश्नर ने सिविल अस्पताल कोटा अरब अली खान दौलत नगर के मुख्तलिफ शोबा जात का मुआयना किया, सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया और मरीजों से तिब्बी सहूलियात अद्वियात टेस्टों की सहूलत बारे दरियाफ्त किया। डिप्टी कमिश्नर ने कालरा डिस्पोजल के दौरा के मौके पर अमला की हाजिरी चेक की और स्टेशन पर नसम मोटर्स की परफॉर्मेंस बारे दरियाफ्त किया। उन्होंने हदायत की कि डिस्पोजल स्टेशनों की अपग्रेडेशन का अमल जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि शहर में निकासी आब के मसाइल का खात्मा मुमकिन हो सके। डिप्टी कमिश्नर ने सहूलत बाजार कोटला अरब अली खान लाला मूसा और जलालपुर जट्टा में मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया, खरीदारों से इन अशिया की क्वालिटी कीमतों के बारे दरियाफ्त किया और बाजारों को मजीद बेहतर बनाने के लिए हदायत जारी की। रिपोर्ट मिर्ज़ा हुसैन, वॉइस ऑफ गुजरात।